बॉम्बे बॉम्बे से आया हूँ क्योंकि एक घंटा फ्लाइट लेट के बोला था कि एक घंटा लेट है और कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हुई। फ्लाइट लेट होने का कारण क्या बताया? फ्लाइट का तो लैंडिंग है वो बताया था कि कोई इमरजेंसी लैंडिंग है बॉम्बे में उसकी वजह से लेट है। एक घंटा लेट है। हाँ आपका नाम? मेरा नाम अरुण शर्मा बॉम्बे से। मैं भी मुंबई से आई हूँ, मेरे हस्बैंड ये साथ में मुंबई अंधेरी लोकनवाला से। एक घंटा फ्लाइट लेट बताया पर ठीक है, हम आ गए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है, आराम से बैठे थे। और मेरा नाम उषा शर्मा है। कहाँ से आए सर आप? हम लोग मुंबई से हैं। लेट हुई है फ्लाइट? फ्लाइट लेट हुई है, यही बताएं सर। एक मिनट, चंदन संजय आपके यहाँ प्रोग्राम पे हैं, फ्लाइट का मतलब था उनके बारे में सर। मैं लाइव चल रहा हूँ। हाँ तो लाइव है क्या पीछे? एक मिनट रुके ना, एक मिनट लगेगा, बताएं सर कहाँ से आए आप और कितनी डिले हुई है फ्लाइट? फ्लाइट 45 मिनट को डिले हुई है। कहाँ से आए? बॉम्बे से। कितनी लेट हुई है फ्लाइट और क्या किस तरह की दिक्कतें आई हैं? दिक्कत तो कोई नहीं आई है सर, ठीक थी। कारण क्या बताया फ्लाइट लेट? ऐसा कुछ खास बताया नहीं, टर्मिनल बीच में टर्मिनल होता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट। आप हमारे जो बड़े भाई हैं, सर्वर ठप होने की जानकारी? नहीं नहीं, ये बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अलीम खान, ये दीपक प्रसाद जी हैं। देखिए फ्लाइट, मैं मुंबई से आ रहा हूँ अभी, एयर इंडिया से। फ्लाइट डिले हुई है, एक घंटा डिले हुई है, कारण मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा उन्होंने मुझे बताया नहीं। वही है, और बताइए क्या पूछना है? एंटी किस तरह से दी थी? सर्वर ठप हो गया था तो एंटी आराम से? नहीं, एंटी आराम से दी उन्होंने, एवरीथिंग इज फाइन, सारा कुछ अच्छा दिया उन्होंने। बाकी हम लोग बैठने के बाद में कोई कारण होगा जिसकी वजह से शायद लेट होगी, बाकी हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, यही है कि थोड़ा लेट हुआ। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। ठीक है, थैंक यू। सर कहाँ से आप आए और कितने घंटे फ्लाइट लेट हुई? मैं बॉम्बे से आया हूँ और फ्लाइट एक घंटा लेट हुई है। फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया था कि कोई इमरजेंसी प्लेन का कोई टेक ऑफ करना था, इसलिए हमारी फ्लाइट लेट हुई, हमें बिठा के रखा एक घंटा। उसके बाद सर्वर की ट्रिप होने की कोई जानकारी नहीं, और ना ही कोई हमने ऐसी चीज फेस की है। चेक इन बहुत स्मूथली हुआ था हमारा,
और हमको कहीं नहीं लगा वहाँ। जय नारायण खंडेलवाल। आपको लगिया लग रहा है क्या? कहाँ तुम जानकारी दे दीजिएगा कहाँ से आप आए और कितना घंटे मैं सॉरी नहीं कहाँ से आए आप मुंबई से मुंबई से फ्लाइट कितना लेट नहीं वो तो अभी तो पॉसिबल बारिश इतना है तो लेट तो होना ही था और कोई वजह नहीं बारिश बहुत थी वहाँ पर नहीं वहाँ पर बारिश आज अलर्ट था वहाँ पर तो वहाँ ज्यादा इससे टाइम लग गया 40 मिनट 30 मिनट तक ही हुआ ज्यादा नहीं हुआ आपका नाम मेरा नाम रितिका आप क्या कर रहे हो अंदर एंट्री करने वालों से भी सर फ्लाइट ले लीजिए मुंबई से आए ना तो क्या वजह बताइए फ्लाइट ले सरबट टपोने की नहीं बोला तो सरबट टपोने की जानकारी अंदर एंट्री आराम तो होगी मैनुअल या फिर चेक कर दीजिए मैनुअल हुई थी क्या निकाल लूंगी इसको जी सर हाँ सर हेलो भाई कहाँ से आए और कितना हम लोग मुंबई से आए हैं एक्चुअल में ज्यादा तो नहीं है बट वहाँ पे बरसात की वजह से थोड़ा लेट हुआ और थोड़ा कोई इधर कोई सर्वर इशू ऐसा कुछ बता रहे उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया कितना लेट हुआ समथिंग हाफ एंड हाफ आवर वन आवर या समथिंग एंट्री किस तरह से दी है एंट्री नॉर्मली जैसे होती है वैसे ही दी है बट वहाँ पे बता रहा हूँ ना बहुत रेनी सीजन है तो वहाँ पे मुंबई में बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी वहाँ पे हम लोग लगभग 45 मिनट से एक घंटा लेट हुआ रियाज अहमद ठीक है सर ओके और कोई भी वो इसके लाइव किसी दिखेगा ले जा रहे हैं।